हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 6 का हम मैथ्स करने जा रहे हैं और चैप्टर हम कर रहे हैं प्लेइंग नंबर, संख्याओं के साथ खेलना। तो उसी चैप्टर का बच्चों जो आज का टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसका नाम है, देखिए आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिए, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। तो बच्चों प्राइम नंबर्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था और कंपोजिट नंबर के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीधे हम चलते हैं टॉपिक पे और देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्राइम नंबर यहाँ पे क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं इनको हम बोलते हैं। और ये होते हैं कि ऐसे नंबर जो अपने आप से और एक से भाग हो जाएं पूरे पूरे, ठीक है? तो ये होते हैं प्राइम नंबर। उसके बाद बच्चों एग्जाम्पल आपको दिया गया था कि भाई 7 एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 7 या तो 7 से ही भाग होता है या फिर 1 से भाग होता है। तो यही डेफिनेशन है प्राइम नंबर्स की। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं तो रिवाइज हम कर रहे थे, आगे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं प्राइम नंबर्स के, जैसे 2, 3, 5, 7, इसी तरह ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आपको 100 तक प्राइम नंबर्स कंप्लीट करने हैं। तो बच्चों अब आप जिस जिसने भी ये किया है होमवर्क, आप जल्दी से 100 तक जो भी आपके प्राइम नंबर्स आए हैं वो यहाँ पे बता दें, ठीक है? तो अपना आंसर भेज दें बच्चों आप चैट के माध्यम से, जिस जिसने भी 100 तक प्राइम नंबर्स लिख लिए हैं। अब देखिए आगे हमारे पास क्या आता है, कंपोजिट नंबर। बट कंपोजिट नंबर से पहले हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर से पहले हम 100 तक प्राइम नंबर्स जिस जिसने लिखे हैं वो मुझे बताएं, और हम उस सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं कि 100 तक कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है? तो प्राइम नंबर्स मैं लिख देता हूं, प्राइम नंबर्स। तो एक चीज ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जो प्राइम नंबर होते हैं इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है? इवन नंबर्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, और ऑड नंबर्स क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो इवन नंबर मतलब इवन होता है सम संख्याएं, ठीक है? और ऑड होता है विषम संख्याएं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब सम और विषम क्या होती हैं बच्चों? सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से भाग हो जाती हैं, विषम संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती। ये होते हैं बच्चों ऑड और इवन। जैसे इवन नंबर क्या हो गए, 2, 4, 6, 8, जो 2 का पहाड़ा होता है, 2 के मल्टीपल होते हैं उनको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। और उसके अलावा जो संख्याएं बच गई उनको बोलते हैं, जो नेचुरल नंबर बच जाते हैं, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, इनको बोलते हैं हम ऑड नंबर्स, ठीक है? ऑड इवन पता लग गया। अब स्टूडेंट्स प्राइम नंबर हम करते हैं, तो प्राइम नंबर देखिए जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होगा वो होगा 2। 2 होगा सबसे छोटा प्राइम नंबर। 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 नहीं होगा लेकिन 5 होगा, फिर 6 नहीं होगा 7 होगा, 8, 9, 10, 11 कुछ भी नहीं होगा, 11 होगा बच्चों, फिर 13, फिर 17, 19, ठीक है? ये सब प्राइम नंबर्स होने वाले हैं। सम और विषम संख्याएं को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। इसके बाद देखिए सारे यहाँ पे हम प्राइम नंबर्स लिखने वाले हैं। 19, 19 के बाद 20, 21, 22 नहीं होने वाला है लेकिन 23 आपका प्राइम नंबर होने वाला है। 23 के बाद क्या होगा प्राइम नंबर, 24 नहीं, 25 नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, ना ही 27 और ना ही 28 होगा, लेकिन 29 यहाँ पे प्राइम नंबर हो जाएगा 30 को छोड़ के, फिर 31 भी प्राइम नंबर होगा। इसी तरह बच्चों 32, 33, 34 और
35 इनमें से कोई प्राइम नंबर नहीं होगा, ना ही 36 होगा, लेकिन 37 यहाँ पे प्राइम नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 37 किसी से भी भाग नहीं होता, एक और अपने आप के अलावा। हम सबको चेक कर करके देख सकते हैं, 37 के बाद 38, 39, 40 इनमें से कोई नहीं होगा प्राइम नंबर, लेकिन आपका 41 होगा बच्चों, 41 होगा, फिर 42, 43 होगा, 42 तो नहीं होगा क्योंकि वो तो सीधा 2 से ही भाग हो रहा है, 44, 45, 46 नहीं होगा, लेकिन 47 प्राइम नंबर होगा बच्चों। 47 के बाद देखिए 50, 48, 49, 50, 51, 52, 52 तक नहीं होगा, लेकिन 53 आपका प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 47 से 53 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं सब अपने आप और एक के अलावा किसी और से भी भाज्य हैं, आप चेक कर सकते हैं बच्चों। फिर 54, 55, 56, 57, 58 और 59, इनमें से क्या होगा बच्चों, 59 होगा प्राइम नंबर, ठीक है। 59 से पहले कोई भी इनमें से प्राइम नंबर नहीं होगा, 53 और 59 के बीच में, क्योंकि बाकी संख्याएं सब डिवाइड होती हैं। अब 60 नहीं होगा, लेकिन 61 यहाँ पे प्राइम नंबर हो जाएगा, 61 हो जाएगा। उसके बाद 62, 63, 64, 65, 66 तक नहीं होगा, 67 एक प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर 68, 69, 70, और ये तीन प्राइम नंबर नहीं होंगे क्योंकि ये भी किसी न किसी से डिवाइड होते हैं। अब कई लोग बोलेंगे भाई 69 किससे डिवाइड होता है, ठीक है, 68 समझ में आता है 2 से भाग हो रहा है, 70 समझ में आता है 2 से भाग हो रहा है, तो 69 तो नहीं हो रहा, ये किससे हो रहा है? तो देखिए सीधा सीधा आपको पता लग रहा है 3 से ये डिवाइड हो रहा है ना, 3 से ये डिवाइड हो रहा है, इसीलिए हम ध्यान पूर्वक देखेंगे इनको और हमें इजीली पता लग जाएगा कि किस किस से डिवाइड हो रहे हैं। 72 नहीं है, लेकिन 73 एक प्राइम नंबर है, 73 के बाद फिर 74, 75, 76, 77, 78 तक कोई प्राइम नंबर नहीं है, 79 आ जाएगा। 80, 81, 82 इनमें से कोई प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 83 प्राइम नंबर हो जाएगा। फिर 84, 85, 86 में से कोई भी नहीं है, लेकिन 87, 88 और 89 आ जाएगा, फिर प्राइम नंबर क्या आ जाएगा, 89 आ जाएगा। ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं बच्चों, ये जो यहाँ पे हम नोट डाउन कर रहे हैं। 89 के बाद बच्चों देखिए 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97 होगा, और उसके बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो 100 से ऊपर आएगा, 98, 99 और 100 इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा बच्चों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 100 तक जो भी प्राइम नंबर्स हैं, यही आपका होमवर्क था, आपको ये कंप्लीट करना था। अब इसको ध्यान से नोट डाउन करिए, ध्यान से देखिए कि आपने जो प्राइम नंबर्स लिखे हैं 100 तक, क्या वो सेम है, क्या कोई अलग है? अगर आपको लगता है कि कोई प्राइम नंबर हमारा छूट गया है तो आप हैंड रेज करके बता दीजिए मुझे, आप बताएंगे कि भाई कौन सा इनमें मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, ऐसा नंबर लिख दिया कि भाई वो प्राइम नहीं है, या फिर कोई ऐसा नंबर नहीं लिखा जो प्राइम है, तो वो चीज आप बताएंगे बच्चों, अपना हैंड रेज करेंगे और जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपका आंसर हो, आप अपना आंसर बताएंगे बच्चों। इसको तब तक नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स सबने इसको नोट डाउन कर लिया है बच्चों, कोई आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ। देखिए इसके बाद हम चलते, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं इनको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर, यहाँ पे कंपोजिट मतलब होता है बच्चों भाज्य संख्याएं, क्या होता है, भाज्य संख्याएं, ठीक है। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं, तो क्या होती हैं भाज्य संख्याएं? अ नंबर दैट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों, दो नहीं होने चाहिए, अगर किसी के फैक्टर दो होते हैं तो वो हो जाता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अगर किसी संख्या के दो से ज्यादा फैक्टर हों, तो जो दो से ज्यादा गुणनखंड हो, तो उसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे बच्चों। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 8 है, 8 का एग्जाम्पल क्या है, 8 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4 और 8,
तो ये चार फैक्टर हो गए, दो से तो ज्यादा है, अगर तीन होते तो भी ये क्या होता, कंपोजिट नंबर होता, भाज्य संख्या होती, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए जरूरी है, इसकी डेफिनेशन प्लस एग्जांपल नोट डाउन कर लीजिए। डेफिनेशन यहाँ पे बिल्कुल सीधी सीधी है, क्लियर कट है, तो इसको नोट डाउन करें। तो स्टूडेंट्स ये चीज नोट डाउन कर ली। अब इसमें अगर कोई डाउट है आपको, डेफिनेशन प्लस एग्जांपल आप पूछ लीजिए, अपना हैंड रेज करेंगे और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल्स कुछ हम करते हैं कंपोजिट नंबर्स के, तो एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आ जाते हैं, चार भाग करके देखिए आप, इनके फैक्टर्स निकाल के देखिए, फैक्टर निकालने तो हमको आते हैं, तो इनके फैक्टर्स निकाल के देखेंगे। जैसे चार है, चार के गुणनखंड क्या क्या होंगे, एक और चार तो रहेगा, दो तो हो गए ऑटोमेटिकली, तो दो गुणनखंड तो इनके सबके होंगे, लेकिन दो से भी भाग होता है चार, है ना, छह भी, आठ, ये सब दो से भाग होते हैं, तो ये दो से ज्यादा गुणनखंड इनके हो गए, दो से ज्यादा फैक्टर हो गए। अब नौ है, उसके दो से ज्यादा फैक्टर कैसे हुए, एक और नौ से तो भाग होता है, ये पूरा पूरा तीन से भी होता है। इसी तरह सबको अगर चेक करेंगे आप, तो सबके दो से ज्यादा फैक्टर निकलेंगे। इनको आप, ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी नोट डाउन कर लिए, और अगर आपको लगता है इनमें से एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए, वो इनमें से कोई एग्जाम्पल जो दिया है वो प्राइम नंबर है, तो वो आप स्पॉट आउट कर सकते हैं, बताएं मुझे, तो तब तक इसको नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स ये सब एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, ये कंप्लीट कर लिया आपने। अब देखिए कि एक स्पेशल नंबर है यहाँ पे, आपको एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने बोला था आपको कि एक के बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे अलग से, तो अब एक के बारे में पढ़ते हैं। वन जो है वो स्पेशल नंबर है, और ऐसा क्यों है ये चीज हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए वन इज नॉट प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो जो प्राइम नंबर की कैटेगरी है उसमें तो एक नहीं आता, कारण बता रखा है यहाँ पे, बताया हुआ है क्यों, क्योंकि बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि इट डज नॉट हैव एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर्स, तो इसके दो अलग अलग गुणनखंड नहीं होते, दो अलग अलग फैक्टर नहीं होते, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक से ही भाग हो सकता पूरा पूरा, और किसी से तो नहीं हो सकता, इसीलिए तो इसके फैक्टर नहीं हो सकते। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है सामने कि ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ना ही ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्यों, क्योंकि इट डज नॉट हैव मोर देन टू फैक्टर्स। ये भी तो प्रॉब्लम है कि भाई कंपोजिट की डेफिनेशन क्या कहती है, कि ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हों, और प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हों, लेकिन वन के ना ही तो दो से ज्यादा फैक्टर हैं और ना ही दो हैं, मतलब दो भी फैक्टर नहीं है तो उससे ज्यादा भी नहीं है, तो ये हो जाता है वन। बच्चों तो स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कर लिया। अब देखिए बच्चों ये आपको पता है कि जो वन है वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेशल, ठीक है, ये स्पेशल नंबर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस जो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, और दूसरा पार्ट है इसका व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि दो ऑड नंबर्स का सम क्या होगा और दो इवन नंबर्स का सम क्या हो सकता है बच्चों। तो इस चीज को देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार आप हल करके देखें और आप बताएं कि क्या हो सकता है दो ऑड नंबर का हल आंसर और दो इवन नंबर का सम क्या हो सकता है। तो इसको सॉल्व करें और बच्चों जो भी आपका आंसर आए वो अपना आंसर शेयर करें चैट के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स जिस किसी का भी आंसर आया है अपना आंसर आप शेयर कर दें।
देखिए इसको हम हल करके देखते हैं। क्वेश्चन आपको पता है कि दो इवन नंबर एंड दो ऑड नंबर का सम क्या होता है। सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं, तो पार्ट ए है, सबसे पहले इवन नंबर्स का देखेंगे हम, ठीक है, सम संख्याएं। सबको पता है सम संख्याएं क्या होती हैं? दो, चार, छः, आठ, दस एंड सो ऑन। तो दो सम संख्याओं को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो देखिए दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं, चार, दो प्लस चार को अगर ऐड करेंगे तो छः आ जाएगा। कोई भी दो संख्या उठा लीजिए, आठ प्लस छः कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। कोई भी दो सम संख्याएं लेंगे, जैसे बड़ी संख्याएं अगर ले लेते हैं हम, 100 प्लस 102 तो कितना आ जाएगा? 202। बड़ी संख्या भी ले लीजिए, तो ये जो इनका सम आता है वो क्या होता है? वो भी इवन नंबर होता है, यानी सम संख्या होती है ना, वो भी सम संख्या होती है। तो ये चीज आपसे पूछी गई थी कि भाई दो अगर सम संख्याओं को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो भी एक सम संख्या आएगी। कभी भी किसी भी केस में देख लीजिए, वो सम संख्या ही आ रही है। इसी तरह बच्चों अगर हम ऑड नंबर की बात करें, ठीक है, विषम संख्या की बात करें, तो विषम संख्याओं को देख लेते हैं एक बारी। जैसे 1, 2, 2 तो सम हो गए, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो इनका सम क्या होगा? जैसे एक में तीन अगर हम ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 5 प्लस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 प्लस 5 होता है 14। इसी तरह बच्चों कोई भी बड़ी आप विषम संख्या ले लीजिए, 2 से भाग जो नहीं होती वो विषम संख्या होती है, तो 49 प्लस 51 ले लीजिए, ये भी 100 आएगा। तो हर केस में क्या आ रही है? आंसर आ रहा है एक सम संख्या, तो यहाँ भी क्या होगा? सम संख्या। तो दोनों ही केस में हमारा आंसर एक सम संख्या आएगा, ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया बच्चा, नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट है पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट सबने ये नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन आपके सामने होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको इसमें सही और गलत बताने हैं कि स्टेटमेंट्स कुछ दिए हैं आपको और इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन से गलत हैं, ये आपको बताने हैं। जैसे फर्स्ट में क्या बोला है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। तो ये आपको चेक करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि क्या 3 अगर ऑड नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो उनका सम इवन नंबर आता है। इसी तरह बी पार्ट देखिए, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। तो ये चीज भी आप चेक करके देख लेंगे, फिर एक जनरलाइज फॉर्म इसकी निकाल लेंगे। बच्चों ये आपका होमवर्क होगा, इनको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है, तो इनको नोट डाउन करिए आप बच्चों। और आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं बच्चों, उनको आपने ध्यान से दोबारा से एक बार रिवाइज करना है। जो टॉपिक हमने किए हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, उनको अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आपके यूज होने वाले हैं बच्चों। तो ये होमवर्क में करने हैं, इसलिए इनको अच्छे से नोट डाउन करें और घर से करके लेके आए। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।